आप जानते हैं हाथरस की घटना हुई और मैं और हिमांशु जी तो हम उनके पुलिस के पीछे जब वो गाड़ी लेके चले गए और हम उनके पीछे गए तो हमें अरेस्ट करके पुलिस मथुरा साइड में ले गई और वो परिवार हाथरस और जब वो हाथरस लेगी और ये सारी घटना घटी हम तो बंद फिर सुबह पुलिस मुझे सीधे छुटमल बुलाई और मैंने रास्ते में पूछता रहा क्या हुआ बताओ उन्हें पता घर जब मैं आ गया और घर आके जब मैंने मुझे फोन दिया ना तो मुझे पता लगा कि रात के अंधेरे में कचरे की तरह उन्होंने हमारी बहन को जला दिया और पूरे परिवार को मिलने नहीं दिया और मेरे साथी इस बात को लगभग सब जानते हैं। तो वो जो अधिकारी छोड़ने आया था मेरी माँ को ये कह गया घर पे कि इसको समझा लो सरकार से ज़्यादा मिलेगा तो इनकाउंटर होते हैं सरकार को पता भी नहीं कहाँ गया। तो जब मैं फिर मेरे दिल में आग उठी कि मुझे इस परिवार को जवाब देना है और मैं जब निकलने के लिए चलने के लिए निकला तो माँ ने मुझसे रोक के कहा कि वो तुझे मार देगा। तो मैंने माँ से एक सवाल किया कि अगर वो बेटी होती जिसको आपने कोख से जन्म दिया तो क्या मुझे रोकती या जान देती? तो उस माँ ने मुझे कहा कि नहीं रोकती कैसे जाने देती। उस वो दिन है और आज का दिन है संदीप भाई मैंने उस दिन से माला निकाली जिनकी बहन बेटियों को बेइज्जत करके कचरे पर जलाया जाता हो जिनके लोग सीवर में मरते हो जिनके लोगों को मार के लटकाया जाता हो मूछे रखने पे पानी पीने पे घोड़ी पे बैठने पे अब उनका भाई कहो नेता कहो वो कहे की माला पहन के अच्छा लगता है। ये पगड़ी आप लोगों ने पहना दी आप बड़े हो मैं इसका सम्मान करता हूँ मगर आप समझो ना इस मुल्क में हम पे है क्या ना नौकरी है ना रोजगार ना ही बहुत अच्छे अच्छे घर है मकान है ना ही बहुत सुख सुविधाएं हैं और ना ही हम अपने पैरों पे इतने खड़े हुए हैं कि हम किसी भी हालात का सामना करें। सच ये है अगर चार दिन हमारे काम पे लोग ना जाएं तो उनको खाने को रोटी नहीं ये हालात और उसके बाद हम 5,000, 7,000, 10,000 पे काम करते हैं इस तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करता है। कोरोना काल में हमारी जान गई सब चीजें हमने की लेकिन मेरी एक बात समझ में बहुत अच्छी तरह से आई कि जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी उसको अन्याय सहना पड़ेगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद हम लोग करते हैं कि उनके अथक प्रयास से उनके बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज हम पे आरक्षण और तमाम तरह के अवसर हैं। हम सरपंच भी बन पाते हैं हम पार्षद भी बन पाते हैं हम विधायक और एमपी का चुनाव भी लड़ पाते हैं। अच्छा सोचो अगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होता तो आपको कोई सरपंच पार्षद सभासद मेंबर चेयरमैन मेयर बनाता क्या कोई? अगर आज भी छुआछूत गैर बराबरी है अगर हम पे संविधान में अधिकार नहीं होता कोई हमें स्कूलों में जाने देता नहीं, नहीं जाने देता कोई अस्पतालों में घुसने देता नहीं, नहीं। कोई जमीन खरीदने संपत्ति बनाने अपने भगवानों का गुरुओं का आश्रम बनाने गुरुघर बनाने की देता नहीं, नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा भावादस के साथियों का दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाज को जगाने की मुहिम तैयार की और उसका और जागरूक होने से पहले ही दुश्मन ने बहुत षड्यंत्र करके हमें बांट दिया। मैं तो जाता हूँ ना सब जगह मैं पंजाब में जाता हूँ अमृतसर भी जाता हूँ तीरथ पे मैं सब जगह जाता हूँ मगर मैं देखता हूँ मैं दिल्ली में भी रहता हूँ कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैंने बहुत से अन्य वो देखे आपको याद है आगरा का मामला आगरा में लोहा मंडी पे जो हमारा भाई था अर्जुन पुलिस ने उसको मार दिया थाने में और मार के लटका दिया और जमन के घर गया। अभी मैं एक रैली करने गया तो उसकी पत्नी मुझे मिली थी और वो जो बच्ची जो समय गोद में थी वो 1 साल से ज्यादा की थी वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा भाई उस दिन जो वादे कर लिए सरकार ने यहाँ पंचों ने कह दिया क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डीएम ऑफिस की तालाबंदी करूँ तो वहाँ के जो पंच थे हमारे समाज के उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम फैसला करेंगे उसको मानना अब बड़ों को आप बाबूजी बैठे बड़े पे फैसला करें ना मानोगे तो उन्होंने फैसला किया कि हम आंदोलन नहीं करते हमारी बात होगी। फिर वो उस दिन मुझे मेरे आगे रो रही थी कि भाई कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने और औरतों ने हमारी बिजली और काट दी अब मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है। अभी मैं सड़कों पर आंदोलन कर सकता हूँ आपकी आवाज उठा सकता हूँ तब जब आपका अन्याय क्योंकि नए अवसर तो कानून तो भैया सदन में बनते हैं और कानून लागू कराने की ताकत भी सदन में है ना मेरे पे ना आप पे हमारी आबादी बहुत है 2 अप्रैल 2018 को हम लोग निकले हमने लाठियां खाई हमने मुकदमे झेले तब जाके एसएसटी एक्ट बचा। अगर अधिकारों को बचाने के लिए हमें लड़ना तो नेताओं की जरूरत क्या है आप बताओ भाई नेताओं की जरूरत क्या है? नेता यानी कि वो हमारा काम करे लेकिन करते हैं क्या? भाई आपने जिसको 914 बनाया आप ईमानदार से बताओ आप तो बड़े बाबूजी आया वो यहाँ काम कराने के सच बताओ मुझे 914 जिसको बनाया 14 से 19 जिसको बनाया आया आपके पास और 19 से 24 जो होने वाला वो कभी आया तो मुझे बता दो। उनका हमारा वोट का रिश्ता है पैसे वालों का हमारा कोई रिश्ता नहीं वो
चुनाव के बीच आएंगे, हमारी बात करेंगे और चले जाएंगे। उनको मतलब ही नहीं है ना कि हमारे सीवर में मरे, यहाँ पे झूठे इल्जाम लगा, हमें जेल में डाला जाए या हमारी मूछें काटे जाए, हमें अपमानित किया जाए। हमें तय करना पड़ेगा, जब तक हम अपने महापुरुषों के रास्ते पर नहीं खड़े होंगे, विचार पर नहीं खड़े होंगे, जब तक हम उनकी बात के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक हम एजुकेशन लेंगे, आज मैनेजर साहब खड़े हैं, कहाँ है मैनेजर साहब? आज आप मैनेजर खड़े हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, भले ही सामने वाला आपका सम्मान ना करना चाहता हो जाते की वजह से, लेकिन उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आपकी बात ना माने। ये ताकत दी है बाबा साहब ने, और अगर हम शिक्षित बनकर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तभी हमारी तरक्की होगी। जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, वो क्या कर रहे हैं देखो, वो हम कहते हैं कि भाई हम धर्म के लोग हैं, धर्म के लोग। आप मुझे बताओ, जितनी देश से आरक्षण खत्म हो जाए कौन बिठाएगा हमें? आप बताओ, मैंने कहा बिठाए कोई? वो कर क्या रहे हैं? वो हमें धर्म धर्म की बात करके हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं। क्या एमपी तरीका? कितना प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं हम लोग? पूछो ना अपने घरों से, जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में? कुछ भी तो नहीं हमारे पास, और फिर भी नहीं हम लोग जाग रहे। उनकी रैली यात्रा होती है, हम झंडे उठाते जाते हैं आगे आगे आगे, और फिर जब हमारे लोग खाल उतरती, देखो काशीराम साहब एक बात कह रहे थे, मुझे बात बहुत प्यारी लगती, कि जिनका राज नहीं होगा उनके साथ जुड़ जाते हैं अत्याचार होगा, उनकी खाल भी खींची जाएगी, उनकी बहन बेटियों का अपमान भी होगा, उनके कपड़े भी फाड़े जाएंगे, उनको मुसीबतें भी सहनी पड़ेगी और उनके हाथ फैले हुए रहेंगे। इसलिए अगर अपनी समस्या खत्म करना तो ताकत। आप मुझे जानते हो, मैं मेरा चुनाव मकसद चुनाव का ये है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है देश में। अगर मैं और 5 साल इंतजार बचू करूंगा ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, समाज का मनोबल ही टूट जाएगा। कुछ बचा है देश में? आप बताओ। नहीं, कुछ नहीं भाई, सारा सिस्टम। अब आप देखो मशीनों से